गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम BA पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गुट निरपेक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर गुट निरपेक्षता का उदय द्वितीय महायुद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बना था, जिसके कारण परस्पर अविश्वास संदेह का वातावरण अंतर्राष्ट्रीय जगत में पनप रहा था। सैनिक गुटों का निर्माण हो रहा था, अलग अलग शक्ति शिविर में दुनिया विभाजित हो रही थी, छोटे और स्वतंत्र राज्यों की विदेश नीति से प्रभावित हो रही थी। तो ऐसे समय में यह अनुभव किया गया कि स्वतंत्रता बनाए रखना छोटे राज्यों के लिए बहुत कठिन है, और ऐसे समय में इन छोटे राज्यों के लिए यह आवश्यक लगा कि ये अपने आप को दोनों गुटों से पृथक करें। और इस नीति की या इसी कारण से दोनों गुटों से पृथक रहने की रीति नीति के रूप में नॉन अलाइन मूवमेंट नैम या गुट निरपेक्षता का उदय हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत में या गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ करने में भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या हम ये कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने में भारत अग्रगण्य रहा है। इस संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था, यदि हम अपने आप को किसी एक गुट के साथ संयुक्त कर लेते तो ये हमारे लिए अच्छा होता, लेकिन हमें ही नहीं पूरी दुनिया को इससे हानि अधिक ही होती, इससे हम दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाएंगे। गुट निरपेक्षता कोई संयोग नहीं था, अपितु यह एक सोची समझी धारणा का परिणाम था, जिसका उद्देश्य था छोटे राज्यों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा करना, अमीर और गरीब के बीच जो भेदभाव है उसे मिटाना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को दूर करना, और प्रमुख रूप से युद्ध और युद्ध की संभावना को टालने का प्रयास करना। जैसा कि संबंध में जयंत बंदोपाध्याय का कहना है, गुट निरपेक्षता भारत की तर्कसंगत नीति थी, परंतु इसकी तर्कसंगतता की वास्तविकता को बनाए रखने के लिए नेहरू की प्रतिभा और योग्यता की आवश्यकता थी। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही पंडित नेहरू के द्वारा इस आंदोलन की बात कर दी गई थी, और इस संबंध में 7 सितंबर 1946 को उन्होंने कहा था, जहां तक संभव हो सके हमारा प्रस्ताव एक दूसरे का विरोध करने वाले जो शक्ति गुट हैं उन शक्ति गुटों से अपने आप को पृथक रखना है, क्योंकि इसी की वजह से यानी शक्ति गुटों के कारण ही महायुद्ध हुए हैं और यह विनाश का कारण है। तो इस तरह से अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए इस नीति का अवलंबन किया गया। पंडित नेहरू, नासिर और टीटो, इन तीन के द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रमुख रूप से मान्यता दी गई। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? गुट निरपेक्षता, कुछ लोग गुट निरपेक्षता को तटस्थता मान लेते हैं, कुछ कहते हैं कि गुट निरपेक्षता तटस्थता है, लेकिन हम यह कहते हैं कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। तटस्थता का मतलब होता है कि दो पक्षों के बीच संघर्ष की स्थिति में चुपचाप रहना, मूक दर्शक की भूमिका निभाना। गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है, दो पक्षों के बीच संघर्ष की स्थिति में सही का समर्थन करना और गलत का विरोध करना गुट निरपेक्षता है। भारत सरकार के प्रकाशन में लिखा गया है, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है अपनी स्वतंत्र रीति नीति गुटों से अलग रहना, यानी हम दोनों गुटों से अलग रहेंगे, अपनी स्वतंत्र नीति को अपनाएंगे, औचित्य अनौचित्य के आधार पर जो हमें सही लगता है उसका हम अनुसरण करेंगे। आज गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है, सभी महाद्वीपों में इसका प्रतिनिधित्व है। दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी जन संगठन भी इसके सदस्य हैं। इस आंदोलन से
जुड़ने के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए या कौन से आधार चाहिए, यह 1961 के पहले बेलग्राद सम्मेलन में तय किए गए थे कि कौन इसका सदस्य बन सकता है। 5 जो आधार तय किए गए थे वो इस प्रकार हैं। पहला है, संबंधित देश ने विविध सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में स्वतंत्र नीति को स्वीकार किया हो, यानी जो राज्य नॉन अलायंस से जुड़ना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के संबंध में वह स्वतंत्र नीति का अनुकरण करे। दूसरा है, संबंधित देश ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए चल रहे आंदोलनों का समर्थन किया हो, यानी अपने अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उसका भी समर्थन उस देश ने किया हो। महाशक्तियों के संघर्ष में निर्मित सैनिक संधियों का वह सदस्य नहीं हो, यानी नाटो, सीएटो, सेंटो पैक्ट का वह सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, यानी किसी भी बड़ी शक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता भी नहीं किया हुआ हो। साथ ही साथ अपने यहाँ किसी भी बड़ी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दी हो। तो इस तरह से इन योग्यताओं से यह स्पष्ट है कि वे ही राज्य जो स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं, वे राज्य जो अमेरिका और रूस दोनों ही गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं है, जो अपनी स्वतंत्र रीति नीति को मान्यता देते हैं, वे ही इस आंदोलन को स्वीकार कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समन्वय समिति ने इस संबंध में 1979 में यह कहा कि किसी भी देश को गुटनिरपेक्ष देश माना जा सकता है यदि वह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, जातिवाद, शोषण, महाशक्तियों और गुटीय नीति, सभी प्रकार के विदेशी कब्जे, प्रभुत्व, आधिपत्य के विरुद्ध संघर्ष में लीन हो। यानी वह राज्य गुटनिरपेक्ष राज्य है जो उपनिवेशवाद, जातिवाद, शोषण, इन सब का विरोध करता हो और जिसने अपने आप को विदेशी ताकतों से मुक्त रखा हो। सदस्यता त्याग या हटाने के संबंध में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बार हवाना के शिखर सम्मेलन में अरब राष्ट्रों ने मिस्र के निलंबन की बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो एक तरह से जो सदस्य राज्य हैं वो इससे एक बार जुड़ जाते हैं तो जुड़े ही रहते हैं। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्षता के अलग अलग अर्थ या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रकृति। पहला है, शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति, यानी गुटनिरपेक्षता दोनों शक्ति गुटों से। शक्ति गुट कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो उन दोनों से अलग अलग रहने की जो नीति है वह गुटनिरपेक्षता है। दूसरा है, स्वतंत्र विदेश नीति। स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब है कि गुटनिरपेक्षता के जो सदस्य राज्य हैं अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हैं। वे ना तो अमेरिका के समर्थक हैं या अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते हैं और ना ही यूएसएसआर की। शांति की नीति, यह नीति शांति की नीति है, यह युद्ध को टालने की नीति है। यह मानकर चलती है कि हमें जहाँ तक संभव हो अंतर्राष्ट्रीय जगत को विध्वंस से बचाना है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नई दिल्ली के शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता को दुनिया का सबसे बड़ा शांति आंदोलन माना था। नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण, आधिपत्य की विरोधी नीति, यानी यह किसी भी तरह से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और शोषण का विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता एक आंदोलन है, एक अभियान है, एक ऐसा अभियान जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के राज्यों की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रमुख रूप से मान्यता देता है। गुटनिरपेक्षता यूएनओ का सहायक है, विकल्प नहीं। कुछ लोग यह मानते हैं कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन यूएनओ का स्थान लेना चाहता है, यूएनओ की जगह लेना चाहता है, ऐसा नहीं है। यह आंदोलन प्रमुख रूप से गुटनिरपेक्ष यूएनओ की जगह नहीं लेना चाहता है बल्कि अपने प्रभाव को प्रमुख रूप से बनाए रखना चाहता है, यानी अपने प्रभाव को स्थापित करते हुए अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण प्रमुख रूप से यह बनाना चाहता है। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। पहली उपलब्धि है,
गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्राप्त, गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों से मान्यता मिली है, यानी इसे अमेरिका में ने भी सराहा है और इसे यूएसएसआर ने भी। शुरू में ज़रूर दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा इसे नकार दिया गया था, यानी ना तो सोवियत संघ ने इसे स्वीकार किया था, जैसा आपको बताया कि सोवियत संघ को का यह मानना था स्टालिन का कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारे विरुद्ध हैं, और उनका मानना था कि दुनिया में सिर्फ एक ही रंग है, लाल रंग, और मुझे पूरी दुनिया को लाल बनाना है। पश्चिमी गुट ने भी इसे आरंभ में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु के बाद यूएसएसआर ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार किया और अमेरिका ने भी 1970 के बाद इस आंदोलन को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। विश्व राजनीति में संघर्षों को टालने का काम इसने किया है, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसके प्रयासों के कारण जो विश्व की समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ है, जैसे स्वेज संकट, कांगो संकट, इनके समाधान में नॉन अलाइन या दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति, इसमें बहुत महती भूमिका नॉन अलाइन मूवमेंट की रही है। नेक्स्ट है शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिवर्तित होने से रोकना। इस आंदोलन की यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि शीत युद्ध को गर्म युद्ध में परिवर्तित होने से इसके द्वारा रोका गया है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की पूरी यह कोशिश रही है कि शीत युद्ध गर्म युद्ध में परिवर्तित नहीं हो पाए। नेक्स्ट है शीत युद्ध में को देतांत की स्थिति में लाना, यानी शीत युद्ध को शिथिल बनाना, जैसे इससे पूर्ववर्ती लेक्चर में अपन ने शीत युद्ध और देतांत दोनों के बारे में पढ़ा है, शीत युद्ध को शिथिल बनाने में भी इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके सदस्य राज्यों ने कोशिश की है कि जहां तक संभव हो सके युद्ध को टालने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। इसमें पूर्ण सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन प्रयास जरूर नैम के द्वारा किया गया है कि जहां तक संभव हो अंतर्राष्ट्रीय जगत में शस्त्रीकरण की बढ़ती हुई होड़ को रोका जाए। विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण, जो नव स्वतंत्र राज्य हैं, छोटे छोटे जो नव स्वतंत्र राज्य हैं, वे प्रमुख रूप से उन्मुक्त वातावरण में रह सकें, अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें, इसका प्रयास इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है यूएनओ के रूप को रूपांतरित किया है। यूएनओ का जो स्वरूप है वो नॉन अलाइन के कारण बदला है। पहले या तो अमेरिका की बात यूएनओ में सुनी जाती थी या फिर रूस की बात, आज नॉन अलाइन के कारण भारत की बात भी सुनी जाती है, आज और राज्यों को भी सुना जाता है। यूएनओ जहां केवल महाशक्तियों के हाथ की कठपुतली था, यूएनओ जहां केवल महाशक्तियों के हाथ का खिलौना बना हुआ था, वहां आज यूएनओ ने एक लोकतांत्रिक रूप ग्रहण करने का प्रयास किया है। यूएनओ में एक बहुत बड़ा गुट उभर कर सामने आया है जिसे हम तीसरी दुनिया कहते हैं। यह तीसरी दुनिया और कोई नहीं, नॉन अलाइन के राज्य हैं जो अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट है विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। कोलंबो के शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था जिसका मुख्य आधार यह था कि गुट निरपेक्ष देशों के बीच अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग हो, विकासशील राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में नॉन अलाइन की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। नेक्स्ट है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। ये राज्य नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं, चाहते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्मित हो, और उसमें ये काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं, और उत्तर दक्षिण संवाद या अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास इनके द्वारा प्रमुख रूप से किया जा रहा है। और हम यह मानकर चलते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट एक शक्ति संपन्न मूवमेंट के रूप में, एक महत्वपूर्ण मूवमेंट के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, या दूसरे रूप में हम कहें कि नॉन अलाइन मूवमेंट के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक ऐसा बहुत बड़ा गुट उभर कर सामने आ रहा है जो गुट अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना प्रभाव को स्थापित कर रहा है। धन्यवाद।